क्लास खत्म होने के बाद मैं घर जा रहा था तो एक बच्चा काफी देर से पैरेलल में स्कूटी चलाई जा रहा था। फिर भाई मेरी मेरी नजर उस पर काफी देर तक नहीं गई थी, वो बाद में मिला तब बोला कि बहुत देर से सर आपके साथ चल रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई। बोले कि सर प्रयास बैच में पढ़ता हूँ, पिछले चौराहे पे आपको देखा, पहले तो नहीं विश्वास हुआ कि आप ही हो, पर फिर ध्यान से देखा घूर के, बोले हाँ आप ही थे, तब से आपके पैरेलल मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। गाड़ी रोकी, बातें की, मैंने पूछा क्या है, बोले सर प्रयास से पढ़ रहा हूँ। और मतलब नॉर्मल उसके मन में एक्साइटमेंट थी अपने टीचर से मिलने की, मेरे मन में भी एक्साइटमेंट थी अपने बच्चे से मिलने की, हाँ भाई जिनको पढ़ा रहे हैं उनको देख तो लें कि हाँ ये है। बट फिर एक सवाल जो मतलब दबे शब्दों में वो पूछ ही गया कि सर क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब यार इस सवाल का जवाब देते वक्त अब बड़ा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है इंसान को, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हो रियलिटी क्या है, और आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि नहीं ही होगा, क्योंकि आप फिर से जानते हो कि रियलिटी क्या है। तो एक सिंपल सी बात मैंने उसको बोली, आप सब लोगों को भी वही बोलूंगा, कि सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी चिंता मत कीजिए, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं पलटेगा, ध्यान रखना। बट हाँ हमने सर अपनी जिंदगी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई IIT JEE के एग्जाम की, जिसके लिए हम तैयारी करने लगे हैं, तो हम चाहते हैं इसमें हम सेलेक्ट हों। तो मैंने कहा उसको यही बोला कि देख सिलेक्शन के बारे में मत सोच, तू अभी जर्नी के बारे में सोच, तू क्या बहुत आगे का सोच रहा है, डेली बेसिस पे सोच, क्या तुझे आज का लेक्चर अटेंड कर पाया, क्या तू उसके नोट्स बना पाया, क्या तू वो पढ़ पाएगा, तो डेली बेसिस पे सोच, इतना आखिर का मत सोच, क्योंकि वो सोच जो है वो मतलब वो जो बेकार की चिंता है वो अभी करनी भी नहीं है, और उससे हम ज़्यादा ज़्यादा क्या होंगे, परेशान ही होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको पूरी जर्नी एंजॉय करते हुए चलनी है, समझना। तो ज़्यादा ना सोचिएगा कभी भी, बस पढ़ते जाओ, गो विद द फ्लो, गो विद द बैच, जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, बिल्कुल मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। और जब आप जर्नी कंप्लीट कर लोगे पैरेलल रहकर, तब इस बात की 100% गारंटी है कि हो जाएगा, बस बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन और उनसे बच के रहना है और पैरेलल में चलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है जी।